यू आर वॉचिंग माई नाइस अकेडमी चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 1.21 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। प्रॉफिट या मार्कअप क्या होता है ना, मार्कअप क्या होता है? व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक, जब हम कोई रकम कुछ पैसे या पैसे हम बैंक से उधार लेते हैं, द बैंक रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी। बैंक क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है उसके साथ जब वो बंदा उस पैसे को कर्ज के तौर पे वापस करता है बैंक को, द एक्चुअल अमाउंट इन रिटर्न वापसी पर। दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड मार्कअप या प्रॉफिट। बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको P से जाहिर किया जाता है एंड डिनोटेड बाय P। जो बोरोड अमाउंट होती है, जो कर्ज ली हुई रकम होती है, उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है और P से डिनोट किया जाता है। द रेट एट विच द बैंक गिवन इट, वो रेट जिस शरह से वो बैंक ये पैसा देता है इट्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर, अपने अकाउंट होल्डर्स को, इज़ नोन एज मार्कअप रेट, उसे मार्कअप रेट कहते हैं। एंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, उसको परसेंटेज से जाहिर किया जाता है। द टाइम फॉर विच अ पार्टिकुलर अमाउंट इज़ गिवन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, वो अमाउंट जो कि जिस टाइम जितने टाइम के लिए दी जाती है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इसके फार्मूलास क्या होंगे, वो ये है, मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मार्कअप को I से जाहिर करते हैं, प्रिंसिपल को P से, रेट को R से और टाइम को T से। मार्कअप रेट को तो क्या फार्मूला होगा, मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इसका फार्मूला है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं इस फार्मूले की मदद से। एक्सरसाइज 1.21 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है 40,000। 40,000 क्या है, पी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारी, पी वो है 40,000। ठीक है जी, और रेट क्या दिया हुआ है उसका, आर दिया हुआ है 3%। ठीक हो गया, इसको हम 3/100 भी लिख सकते हैं। और टाइम कितना है, 3 ईयर्स। टाइम कितना है, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स तो I मालूम करना है हमने, क्या मालूम करना है, फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि मार्कअप या प्रॉफिट मालूम करना है। तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, इसको हम ये भी लिख सकते हैं PRT। ठीक हो गया, I हमने मालूम करना है, P की वैल्यू है हमारे पास 40,000, R की वैल्यू है हमारे पास 3/100 और T की वैल्यू है हमारे पास 4। तो 20 से ये 20 गए, अब क्या हुआ, 3
ये रह गया हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 3s are 12। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 चौक 48, ये 4800 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, सऊद बारोड RS 25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 years, फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक, बैंक का मार्कअप बताएं कितना है। क्वेश्चन नंबर टू, पी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 25,000। रेट कितना है, 6%। टाइम कितना है, 3 years। और आई क्या है हमारा मालूम करना है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी क्या है 25,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 6/100, टाइम क्या है 3 years। ये दो ज़ीरो, इन दो ज़ीरो से कैंसिल हुए, बाकी हमारे पास रह गया 250 मल्टीप्लाई बाय 6 3 18। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करता हूँ, अगर आपको स्कूल में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की परमिशन है तो कैलकुलेटर से करें, अदरवाइज़ आप खुद से करें इसको। तो ये आ गया 4500 आंसर इसका, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ 4200 इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। ठीक हो गया जी, तो क्या है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमें हमारे पास है, आई वो है 4200, टाइम कितना है 3 year, रेट क्या है 10%, आई हमने मालूम करना है, आई क्या है पी, सॉरी आई कह रहा हूँ पी, हमने पी मालूम करना है इसका। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी हमने P मालूम करना है, तो क्या करेंगे आर टी इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी आर टी को डिवाइड कर देंगे, तो ये R इससे कट जाएगा, ये T इससे कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा P इज इक्वल टू I बाय आर टी। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे हो गया, अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, P इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास 4200 बाय R की वैल्यू हमारे पास है 10 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम, की टाइम कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, पहले 4200 बाई इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 30 बाई 100। अब ये वो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये उलट हो जाएगा, 4200
मल्टीप्लाई बाय 100, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाती है वैल्यूज ना, ये कैंसिल इसके साथ हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 42, ये सॉरी 420 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 3, तो ये हो गया 420, ये 00 इसके आ गया, तो ये आ जाएगा 3 के, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर है, डिवाइड करने के बाद 42 को डिवाइड करते हैं 3 पर, 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, 000 ये आ गया, तो आंसर क्या आया 14000, 14000 आंसर हुआ। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर फोर क्या, अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, आई हमें मालूम है 27,000 और रेट क्या है इसका, रेट हो जाएगा 12% या 12/100, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, पी मालूम करना है। ठीक है, आई इज इक्वल टू पी आर टी के होता है, ठीक है, अब पी मालूम करना है, आर टी को हमने गायब करना है, इधर से इधर ले आना है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो पी इज इक्वल टू आई ओब्लिक आर टी, आई की वैल्यू है 27,000, आर की वैल्यू है 12/100 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 27,000 बाय 12/36 बाय 100, इसको जब हम डिवाइड से डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, तो ये रह जाएगा मल्टीप्लाई, ये स्टूडेंट डिवीजन उसमें आया हुआ है ना, डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन अब ने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, 100/100/36 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 27,000 ये आ गई और 20 इसकी हो गई बाय 36, इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं, 27,1,2,3,4,5 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 75,000, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड ₹6,800 अमाउंट बिकम ₹9,044 इन 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, पी हमारे पास है 6800, आई हमारे पास दिया हुआ है 9044 माइनस 6800, हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, टी हमने हमारे पास दिया हुआ है 11 साल,
ठीक है, हम जानते हैं और आर हमने मालूम करना है। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू पी आर टी, आर मालूम करना है तो क्या करेंगे, पी और टी को इधर डिवाइड करेंगे, इधर भी पी और टी को डिवाइड कर देंगे, टी टी से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, तो आर रह जाएगा आर इज इक्वल टू आई बाई पी टी। आई की वैल्यू है 2244 और पी की वैल्यू है 6800 मल्टीप्लाई बाई टाइम 11। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे 2244 बाय, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6800 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 7480। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर हमारा क्या आता है देखते हैं। 2244 डिवाइडेड बाय 7480 हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब इसको हम आर है ना, ये रेट, रेट को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। रेट को हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। हमने लास्ट क्वेश्चन जितने भी किए उनमें आपने देखा होगा 10/100, 10/फलाना, 12/इतने, तो 100 लाजमी आएगा। तो ये 20 इससे कैंसिल हुई, तो अब हमारे पास क्या हुआ, 2244 डिवाइडेड बाय 748, ये आ गया 3 years, 3%, 3 year नहीं, 3%, सॉरी ये आ गया 3% रेट। ये टाइम ईयर्स में होता है, रेट परसेंट में होता है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया रेट 3%। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे जी इंशाल्लाह। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड बी सम ऑफ आरएस 5800 विल इंक्रीज टू आरएस 7105 इन 3 year टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, पी हमारे पास है 5800, आई हमारे पास है 7105 माइनस 5800, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1305 के बराबर, और टी हमारे पास है 3 years, आई हमने तो मालूम क्या करना है, आई दिया हुआ है तो आर नहीं है इसमें ना, आर हमने मालूम करना है। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी, तो मालूम क्या कर, आर करना है तो इधर भी पी टी से डिवाइड कर देंगे और इधर भी पी टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू आई बाय पी टी के। आर अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू है 1305 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू है 5800, टी की वैल्यू है 3। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं
और ये रेट मालूम करना, रेट के साथ 100 आता है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ, रेट हमेशा 100 मल्टीप्लाई के साथ आता है। तो क्या होगा, ये दो ज़ीरो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1305 बाय 5800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1740 मल्टीप्लाई बाय 100, 2020 से कैंसिल हुए। अब हमारे पास रह गया 1305 डिवाइडेड बाय 174, तो ये आ गया हमारे पास 7.5। परसेंट रेट हमारा आ जाएगा इसका, ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है जी, ये हाउ लॉन्ग वुड RS 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट द मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन RS 27,790। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है जी, पी हमें दिया हुआ है 15,500, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर आर हमें दिया गया है 6%, 6/10, 100। आई हमें दिया गया है 27,19, और हमने मालूम करना है टी, ये हमने मालूम करना है, आई इज़ इक्वल टू पी आर टी। तो क्या होगा इसमें, मालूम क्या करना है, टी तो टी को रहने दें, इधर इधर से पी आर इधर डिवाइड कर देते हैं, पी आर इधर डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, टी इज़ इक्वल टू आई बाय पी आर। आई की वैल्यूज पुट कर देते हैं, आई हमारा है 2790 बाय पी हमारे पास है 15,500 मल्टीप्लाई बाय 6, आर हमारा है 6/100, ये 20 इससे कैंसिल हुई, हमारे पास रह गया 7,790 बाय 155 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 155 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2790 बाय 930 इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 2790 डिवाइडेड बाय 930 ये आ जाएगा 3। क्या चीज़ आ गया, आई हमारे पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ, ये सॉरी टी हमारे पास आ जाएगा, ये टी है, टी हमारे पास है 3 years। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड आर एस 25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक 31,000, ठीक है। पी हमारे पास है 25,000, रेट क्या है जी हमारा 12%, आई हमारे पास क्या है 31,000 माइनस 25,000
इज इक्वल टू कितने के हुआ, 6000 के। ठीक हो गया जी, तीन चीज़ें मालूम हो गई। अब रह गया पीछे टाइम, टाइम हमने मालूम करना है। आई इज इक्वल टू पी आर टी, टी मालूम करना है तो पी आर इधर डिवाइड कर देंगे और इधर भी पी आर को डिवाइड कर देंगे, तो पी पी से गया आर आर से चला जाएगा, तो रह जाएगा टी इज इक्वल टू आई बाई पी आर। आई की वैल्यू क्या है, 6000 और पी की वैल्यू है 25000 मल्टीप्लाई बाय क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास 12/100। ये आ गया, ये 20 से ये 20 गया तो पीछे रह गया, और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 600 25 25 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 300, 600 बाय 300, तो क्या हुआ, ये दो ज़ीरो इससे कैंसिल हो गई, 3 1 3 3 2 6 अमाउंट क्या आ गए, 2 ईयर्स। टाइम क्या रह गया, ये टी कितना आ गया, 2 ईयर्स। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज ख़त्म हुई यार, अब तो प्लीज़ लाइक कर दो। Thank you guys for watching my videos.